हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, आज एक टेस्ट थी, उस टेस्ट में हम भी अपीयर हुए थे और हम भी जो लिखने का प्रयास किए, तो COP26 से देखिए, पूरा टोटल 34 पेज है ये टोटल। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे उस पे है जो पूरी चर्चा है, इसमें लिखा हुआ है। तो आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन को रूबरू करवा देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मेंस का कोई आंसर, प्रॉपर आंसर जो होता है वो है जो एग्जामिनर से बता सकता है। हम लोग तो एक स्टूडेंट है तो उसी पे है जो काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि क्या है, हमने क्या लिखा, इस पे आप गौर कीजिएगा। आप है जो ऑब्जर्वर के रूप में आप काम कीजिए कि क्या है होना चाहिए था। COP26 के बारे में था और भारत की भूमिका के बारे में था कि COP26 में भारत की क्या भूमिका है, इस पे है जो हम चर्चा किए। तो देखिए क्या है, हमने जो इंट्रोडक्शन जो लिखा है वो इंट्रोडक्शंस पे आपको थोड़ा रूबरू करवाते हैं कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए विकासशील एवं विकसित देशों के बीच सहमति असहमति के बीच एक विचारशील मंच का पर्याय है। इसके लक्ष्य उद्देश्य की गतिशील वैश्विक पर्यावरण के लिए 21वीं सदी में महत्वपूर्ण जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने में है जो मदद करेगा। COP26 के सही पक्षों पर भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में नजर आ रहा है। भारत की प्रतिबद्धता वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड एंड IRS जैसे घोषणा ने भारत के द्वारा सभी देशों के लिए सकारात्मक संदेश ग्लासगो की पावन धरती से पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया है। अब है जो कुछ जो उसके इम्पोर्टेंट्स थे, वैश्विक उत्पादन के पूर्व स्तर पर 1.5 डिग्री सी स्तर पर रखना, वैश्विक मिथेन ग्लोब, कार्बन स्थिरता, भूमि जलवायु, कृषि, खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ये अलग अलग टॉपिक है दोस्तों। सब सेक्शन 13.3456 में ये अलग अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर है जो आपको श्रिंक करके लिखना पड़ेगा। नहीं तो अगर 13 अगर उसके नियम 13 को पूरा लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमें जो एक ही में है जो भूमि जलवायु कृषि खाद्य सुरक्षा को एक ही में है जो डालने का प्रयास किए। आगे है दोस्तों कि आगे जो है कि इन सभी मुद्दों के नियम 16 जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो पहली बार है जो लागू किया गया था, जिसका धारा 6.2, 6.4 और 6.8 की प्रतिबद्धता के लिए सारे 197 देशों ने मिलकर है जो वैश्विक मंच का है जो प्रयोग किया है। पहली बार जीवाश्म ईंधन के है जो सकारात्मक रूप से कम करना, 2013 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करना, धारा 6.2 ग्लोबल मिथेन की कमी को लक्ष्य को पूरा करना, धारा 6.8 IOIP लक्ष्य का निर्धारित करना और धारा 6.8 आधारभूत ढांचा का निर्माण करना। फिर है दोस्तों कि अब है जो हमें है जो सिर्फ टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पे आ जाना कि भारत के बारे में हमें है जो लिखना है, नहीं तो लिखेंगे तो पूरा 34 पेज वही लिखा जाएगा। इन सभी सम्मेलन के लिए भारत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि के भूमिका रूप में देखा जाता है। अब भारत की भूमिका क्या है, तो वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड सभी के लिए न्यायपूर्ण ऊर्जा के महाद्वीपीय स्तर तक पहुंचाना, पंचामृत जिसमें 5 प्रकार की बातें की गई है उसको लिखना है, IRS द्वीपीय और महाद्वीपीय देशों के आपदा के लिए 1 अरब फंड का है जो भारत अमेरिका ब्रिटेन ने है जो किया, और जीवाश्म ईंधन प्रयोग का सतत स्तर पर कम करने की है जो बात है जो भारत के द्वारा की गई है। भारत ने अपने संबोधन के पर्यावरण संरक्षण तथा इसके उत्पन्न समस्या को चिन्हित कर विभिन्न एजेंडे के रूप में वैश्विक स्तर पर है जो बताया है। भारत ने कहा कि हम क्या करेंगे, तो भारत ने कहा कि भारत अपने जीवाश्म ईंधन का 2040 तक 85% कम करने का है जो लक्ष्य है जो रखा है कि हम ये करेंगे, कितना करेगा वो बात की चीज़ है। हाइड्रोजन नीति के माध्यम से स्वच्छता को उपयोग करना, सैद्धांतिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन को 0.4% से बढ़ाकर 75% तक करना, और है जो बजट के प्रावधान को है जो ग्रीन बजट के रूप में परिवर्तित करना है, जो यह जो भारत का है जो लक्ष्य है जो बताया है। आगे है दोस्तों कि भारत इस नीति के सभी 50 मंत्रालयों के साथ ग्रीन टास्क फोर्स का निर्माण किया है। इस पर्यावरण को लेकर जागरूकता तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भारत ग्रीन हाउस ग्रीन भारत जैसे सपना को है वो आगे बढ़ा रहा है। इन सभी मुद्दों पर भारत की प्रतिबद्धता के उदाहरण इस प्रकार है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इसमें साउथ एशिया के देश को जोड़ा, मिडिल ईस्ट के जोड़ा और अफ्रीका के देश, मैंने एक ग्रिड प्रणाली के माध्यम से न्यायपूर्ण बिजली वितरण 110 देशों के साथ IESA का जो समझौता है, महाद्वीपीय ऊर्जा स्थानांतरण SDG लक्ष्य को पूरा करना।
अब नकारात्मक क्या है दोस्तों कि भारत के पास है जो अभी हाल में बैठक हुई थी उसमें कहा था कि वित्तीय प्रबंधन की जो बहुत समस्या है, जलवायु निवेश के माध्यम से है जो इसे है जो बढ़ाना चाहता है तब है जो अवसंरचना को दूर किया जा सकता है, और अच्छा ऊर्जा अवसंरचना पर है जो चीन पर अभी भी निर्भर है भारत। IRS अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलीजेंट आइलैंड स्टेट जो तटीय देश जहाँ पर आपदा चक्रवात जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, भारत ने अपने सहायता एवं समावेशी विदेश नीति को मजबूत करने के लिए फंड की व्यवस्था है जो किया है IRS फंड से किया है। अब है कि भारत किन एजेंडों पर है जो साइन किया है जो निम्नलिखित है। भारत ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग को धीरे धीरे कम करेंगे नहीं तो अर्थव्यवस्था पर है जो प्रभाव पड़ेगा, इस पे है जो भारत साइन कर दिया है। 17 या 16 ऐसे एजेंडा थे जिसपे है जो भारत है जो साइन नहीं किया है, 2 एजेंडे पे है जो भारत है जो साइन किया है। रूस तथा 8 अन्य देश ने अपनी सहमति है जो भारत के साथ है जो व्यक्त की है। रूस ने कहा है कि भाई हमारे पास इतना भूखंड है, इतना ग्लेशियर है उधर है, तो हम कार्बन जो उत्सर्जन करते हैं वो तो कहीं ना कहीं सोख लेता है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद ही प्रतिबद्धता पर कहा कि भारत के साथ है, अभी है जो हम कम नहीं करेंगे। अमेरिका की स्थिति भारत के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन भारत ने इस पर जो साइन नहीं किया, जो एक अलग मुद्दा था उस अमेरिका के साथ जो था उस मुद्दे पर है जो भारत साइन नहीं किया। वन उन्मूलन पर भारत है जो न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को लागू करने की बात है जो बोला है। खाद एवं कृषि पर पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति सकारात्मक प्रभाव रहा है, और वित्त प्रबंधन में जो अगतिशीलता का रूप है जो मैंने अब खरबों डॉलर जो खर्च होगा उस पर जो असहमति बताई है उस पर है जो भारत ने कहा कि इसे जो जल्द से जल्द है जो रोका जाए, नहीं तो आपसी मतभेद ही है जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देश ने जो वित्त देने से मना कर दिया है। भारत ने इस सम्मेलन को निम्नलिखित मुद्दों पर स्किल स्केल और स्टेटस को लागू करने के लिए जो प्रतिबद्ध किए, हरित वातावरण, हरित बजट, कार्बन सिंक, कार्बन स्थिरता, राइट टू रिपेयर और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की जो बात है जो भारत बोला है। उपयुक्त आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा विकसित देशों के लिए पर्यावरण न्याय के रूप में कार्बन उत्सर्जन की कमी को लेकर जो प्रतिबद्धता है जो प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था उसको है जो आप कोट कर सकते हैं। और उसके बाद है जो मुद्दे हैं जो विवादित मुद्दे हैं, तो अवसंरचना की कमी है, $100 अरब हास्यपाद है, असहमति असमंजस का दौर है, नेट जीरो कार्बन है, नेट कार्बन उत्सर्जन में मतभेद है, कार्बन की कमी के वैश्विक नकारात्मक को है जो कम से कम है जो वो भी है जो कि हम कितना करेंगे तुम कितना करोगे ये भी है जो कहीं ना कहीं है जो वैश्विक मुद्दा है जो बना हुआ, अब संरचना के लिए ऐसे समझौता है जो नहीं हुआ है अभी तक। अब है COP26 पर्यावरण संरक्षण कंक्लूड कर दिए हैं। COP26 वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण सम्मेलन में ऊर्जा उपभोग और परिवहन की कार्बन मुक्त करके तथा हरित नवाचार से हरित वातावरण को समृद्ध करने की पहल COP21 के उद्देश्यों को पूरा करने और भारत के लक्षित तथा परलक्षित करने में SDG के प्रति आशान्वित और गौरवान्वित करता है। ये है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो कंक्लूड कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।